Good afternoon, friends. This is Dr. Anuj, and I was just thinking of speaking something on a topic which, as a doctor, I face a lot of times when I deal with my patients. Okay, sir, diet kaun si leni chahiye? Veg leni chahiye ki non-veg leni chahiye? Kya achha hota hai? Hamare life mein kya 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 lena chahiye? अभी बात ये आती है कि कितने लोग हैं जो आज भारत में वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है। मैंने थोड़ा सा उसके ऊपर गूगल सर्च किया तो ये पता लगा कि जो 19th सेंचुरी था, अराउंड 1900, इसमें अराउंड 75-80% ऑफ द इंडियंस वेर वेजिटेरियंस। और आज मैं 2000 में जब उसका गूगल किया तो पता चला कि एग्जैक्टली ऑपोजिट है। Approximately 70-75% are non-vegetarians and 30-35 are around vegetarians. तो total उल्टा हुआ है। तो थोड़ा सा उसमें मैंने research लगाया कि क्या, how is it possible that such a huge difference and paradigm shift has occurred in the increase in the non-vegetarians of our country? I think mostly it is to do with the loss of Indianness in a person's life. देखिए, अगर आप डॉक्टरों के पास जाते हो, अगर आप pregnant औरत हो, तो तुरंत एक डॉक्टर आपको बताएगा कि आप pregnant हो, अरे आपको आयरन की कमी होगी, आप तुरंत अंडा खाना चालू करो। आपको अंडा खाओगे तो तुरंत आयरन मिलेगा, प्रोटीन्स मिलेगा, तुरंत चालू करो। क्या ये पुरानी बातें कर रहे हो कि वेजिटेरियन वगैरह, वो सब बाद में रखो, स्टार्ट ईटिंग एग्स। देखिए किस तरह से इंडियननेस का फर्क पड़ता है। अगर वही औरत एक आयुर्वेदाचार्य के पास जाएगी तो आयुर्वेदिक में कंसेप्ट है कि वर्जित खाना है, नॉन वेजिटेरियन खाना या वर्जित खाना है। इट इज नॉट टू बी टेकन, इट इज ए एब्सटेन फूड। सो जस्ट सी, बिकॉज आपने मेडिकल साइंस को इंग्लिश से, इंडियन से इंग्लिश बना दिया और इंग्लिश ऑथर्स के बुक पढ़ना चालू किए, तो इंग्लिश ऑथर्स ने आपको बताया कि किस तरह से नॉन वेजिटेरियन फूड से आपको प्रोटीन्स मिलेंगे, कैसे आपको नॉन वेजिटेरियन फूड से हेल्थ मिलेगी, कैसे नॉन वेजिटेरियन फूड खाने से आपकी बॉडी बनेगी, वरना तो आपकी कभी बॉडी नहीं बनी थी। हमारे राणा प्रताप जो 8 मन का भाला लेके घूमते थे, वो तो जैसे कोई कहीं से अलग ही निकल गए थे। He was a pure vegetarian, by the way, let me tell you. So this particular concept of increasing in the non-vegetarian food just to gain some proteins, just to get some health, is a very facade. It's a big fad in Indian public and even over the world. It is not to be really considered that it is right, because for the very fact that non-vegetarian food produces so much of toxicity in the body, so much of diseases, so much of adult cancers are coming up in our society because of that. I'm working at JJ and so many places that people at the age of 30-35 are getting heart attacks, they are getting blocks in their arteries, they are coming with distal arteries are getting choked up because of that. Cholesterol is increasing, cancer risk, the eyesight is getting hampered, the pitta is increasing, so the acidity levels are increasing. So many bad effects of non-vegetarian food, because our body is not made for non-vegetarian food. Now, to just tell a simple fact about vegetarian and non-vegetarian food, एक सिंपल कंसेप्ट जब हम बात करना चालू करते हैं, किसी से आर्ग्यूमेंट करते हैं, तो वो तुरंत बोलता है, यार तुम क्या बोलते हो कि ह्यूमैनिटी के बेसिस पे आप नहीं खाना चाहिए। आप जब इफ यू आर ईटिंग वेजिटेरियन फूड ऑल्सो, आर यू नॉट किलिंग द प्लांट्स? दैट इज ऑल्सो किलिंग। सो येस, अल्टीमेटली द वेदा से दैट जीवो जीवस से जीवनम, बट इफ यू रियली थिंक अबाउट वेजिटेरियन फूड, आप अपनी थाली को सोचो कि आप जब वेजिटेरियन खाना खा रहे हो, आपने कहां पर हिंसा की है? एक जो बैंगन जो आपके प्लेट में ना आता था तो वहां से पक के नीचे गिर जाता था, एक अंजीर, एक आम, एक पेड़, जैसे एक सफरचंद, एक चीकू, जो भी आप सोचो, जो भी आप खा रहे हो, चाहे वो इट कैन बी कॉलीफ्लावर, इट कैन बी कैबेज, इट कैन बी ब्रिंजॉल, इट कैन बी कैप्सिकम, इट कैन बी टोमेटो, इट कैन बी ककड़ी, इट कैन बी एनीथिंग दैट यू थिंक ऑफ, ये एक फल है। दीज आर फ्रूट्स ऑफ अ ट्री। इफ दे वेर नॉट टू बी टेकन बाय अ ह्यूमन बीइंग, दे विल ऑटोमेटिकली बिकम राइपन्ड, ईटन बाय एन एनिमल, और दे विल फॉल डाउन ऑन द ग्राउंड, राइट? व्हाट यू आर डूइंग इज जस्ट प्लकिंग देम एंड ईटिंग। आर यू किलिंग द प्लांट? क्या आप झाड़ को पूरी तरह से उखाड़ रहे हो? हाँ, क्या आप, जैसे ठीक है पालक हो गया, जो अंडरग्राउंड बीट रूट है, वी हैव टू प्लग देम, बट द मैक्सिमम ऑफ द वेजिटेबल्स दैट यू आर ईटिंग आर कंप्लीटली डिवॉइड ऑफ वायलेंस। And it is said in the scriptures that a civilized human being, the more civilized he becomes in his life, he becomes less and less violent. His violence decreases. Yes, we have to do some violence to live. There cannot be life without violence. You will have to have some killing done.
And that's why in the Vaishnava tradition, there is a very proper concept which comes that Bhagavad Gita 9.26, it very clearly says that Patram Phalam Pushpam Toyam Yome Bhakta Prayachati Tad Aham Bhakta Uparatam Ashnami Prayatatmanam. भगवान कृष्ण बताते हैं कि उनको किस तरह से फूड हमको ऑफर करना चाहिए जो नैवेद्य देते हैं, इसलिए पहले के लोग भगवान को नैवेद्य देकर खाना खाते थे ताकि वो प्रसाद बन के उनके सामने वापस आता था, और ये जो खाना होता है उसको हम ग्रहण करना चाहिए ताकि हमारी आत्मीयता की शुद्धता हो, हमारे आत्मा की शुद्धता हो, हमारी चेतना की शुद्धता हो, इसलिए हम खाना खाते हैं। हम कुत्ते बकरियों की तरह बाहर सिर्फ खाना खाने के लिए नहीं खाते हैं, हमारी चेतना शुद्ध करने के लिए, ताकि हम सबसे इवॉल्व प्राणी है तो हम कुछ इवॉल्व तरीके से खाएं भी। और हम इसलिए हमारे जो ऋषि मुनि, हमारे जितने भी वैदिक ग्रंथ थे उसमें कहीं पर है वर्णन कि आप नॉनवेज खा सकते हो पर कभी भी ऐसे ह्यूज लेवल में स्लॉटर करके नहीं। पहले के लोग जो है राजा महाराजा जाते थे हंटिंग के लिए, कोई ना नहीं बोलता है, और खाते भी थे मगर इस तरह से नहीं कि दिन के 30-30, 40-40 हजार एनिमल्स को मारकर स्लॉटर हाउस में उनका रक्त बहाकर हमको जो है वहां पर मांस प्रोड्यूस करे और हमारी जो है पॉपुलेशन को खाना नहीं मिल रहा है इसलिए का ऐसे कहीं पर नहीं था। हमारी पॉपुलेशन इससे भी बड़ी थी पहले, मगर इंटेलिजेंट पॉपुलेशन थी जिनको मालूम था कि कैसे इस प्रकृति को बचाया जाए। आज जो है इतना रिसर्च चल रहा है कि नॉन वेजिटेरियन फूड, जैसे एक एनिमल को मारा जाता है, देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ आइंस्टाइन पेन वेव्स, ये EPW फिनोमिनन आप अगर YouTube पे देखोगे तो आपको आप शॉक में आ जाओगे कि कैसे ये जो ओजोन लेयर डिप्लीट हो रहा है, ये इसलिए भी डिप्लीट हो रहा है क्योंकि ये जो द हीट इज प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ द किलिंग ऑफ एनिमल्स, ये EPW वेव्स भेजता है, आइंस्टाइन पेन वेव्स। दिस इज ए न्यू कंसेप्ट, प्लीज रिसर्च अबाउट इट, नो अबाउट इट कि कैसे हम हमारे एनवायरमेंट को दूषित कर रहे हैं। हमारे पूर्वज भी खाते थे मांस, ये नहीं कि नहीं खाते थे, पर उनकी एक अलग सोसाइटी रहा करती थी। 99% पीपल नेवर यूज टू कंज्यूम नॉन वेजिटेरियन फूड, और जो खाते भी थे उनका क्लास, उनका जो क्रीड था वो अलग था, वो हटके रहते थे, ये नहीं कि वो नीचे थे पर वो एक अलग क्षत्रिय धर्म के थे, कुछ अलग पालन करते थे। हाँ, मगर इस तरह नहीं कि हम स्लॉटर हाउसेस, ये हमारा नया जो कंसेप्ट है, ऐसे नहीं काटते थे। इतने सारे जानवरों को मारकर हम पूरा इकोलॉजिक बैलेंस मेंटेन करना हमारा खराब हो रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन। एज अ डॉक्टर आई मायसेल्फ फील दैट द वेजिटेरियन फूड हैज गॉट एवरी लिटिल थिंग टू प्रोवाइड यू फॉर द बेस्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। व्हाई नॉट कंज्यूम इट? व्हाई डू सो मच ऑफ वायलेंस? व्हाई गेट सो मच पेन टू अदर्स? थैंक यू वेरी मच।